जॉयस विंसेंट 3 साल तक अपने ही कमरे के सोफे पर मुर्दा बैठी रही। साल 2006 में कमरे का दरवाजा खुलने पर वो एक कंकाल की सूरत में मिली। टीवी ऑन थी, आसपास कुछ अनओपन क्रिसमस गिफ्ट्स पड़ा हुआ था। फ्रिज में जो भी खाना मिला सबका एक्सपायरी डेट अराउंड 2003। बॉडी इतनी बुरी तरह से डिकम्पोज्ड हो गई थी, पहचानना मुश्किल था। मौत की वजह क्या थी, नेचुरल, मर्डर या सुसाइड? कौन था वो मिस्ट्री मैन जो उसका बॉयफ्रेंड था? वो आज तक क्यों नहीं मिला? 3 साल तक इसकी बॉडी क्यों नहीं मिली? किसी ने खोज क्यों नहीं किया? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। ये कहानी है इंग्लैंड में रहने वाली जॉयस विंसेंट की। जॉयस का जन्म हुआ था वेस्ट लंदन में। इसके पिता अफ्रीकन जो पेशे में कारपेंटर थे, माँ इंडियन थी। उन्हें 5 बेटियाँ हुई। 1965 अक्टूबर में जॉयस पैदा हुई थी। 5 बहनों में वो सबसे छोटी थी, लेकिन कुछ वक्त के बाद उनके माँ गुजर गई। माँ के गुजरने के बाद बाप ने बच्चों की देखभाल ठीक से नहीं की। बच्चों पे डोमेस्टिक वायलेंस शुरू हुई और उनके पिता की जिंदगी में कोई और औरत आ गई। 4 बड़ी बहनों ने मिलकर जॉयस को पालना शुरू किया, उसकी पढ़ाई, देखभाल सब कुछ किया। पढ़ाई में तेज थी जॉयस। कॉलेज खत्म होने के बाद उसे नौकरी मिली एक प्राइवेट फर्म में। उसकी सैलरी भी अच्छी थी। जॉयस रिजर्व टाइप की थी, लोगों से घुलना मिलना कम था। उसकी कोई बुरी आदत नहीं थी। दोस्त, रिश्तेदार सब उसके बारे में अच्छे ही बोलते थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था उसकी जिंदगी में, लेकिन बचपन के यादें कभी कभी उसे डराती थी। 2001 में उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। रीजन उसने ये बताया कि उसे अपने दोस्तों के साथ घूमना है और अभी नौकरी नहीं करनी। डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार होने वाले बच्चों के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन के पास वो कुछ दिन रही। फिर उसने एक छोटे से होटल में पार्ट टाइम जॉब ले लिया और उसी होटल के करीब एक अपार्टमेंट में सिंगल रूम लिया किराए पे। ये रूम पर पर्सन पर रूम के हिसाब से होता था, सस्ता था। इस अपार्टमेंट में ज्यादातर वो लोग रहते हैं जो ड्रग एडिक्ट्स हैं। वहाँ से शोर शराबा हंगामा की आवाज आती है हर वक्त। नेबर्स को भी पता कि कौन लोग रहते हैं वहाँ। जॉयस के पास पैसे इतने थे नहीं, तो उसने इसी अपार्टमेंट में एक रूम ले लिया। उसके रूम बिल्कुल कॉर्नर में लास्ट वाला था। जॉयस ने एक हाउसिंग बेनिफिट स्कीम ले रखी थी, जिसका फायदा ये था कि उसके रेंट, बिजली का बिल के आधे पैसे हाउसिंग बेनिफिट कॉर्पोरेट के थ्रू डायरेक्ट ओनर को भर दिया जाता था। 2003 तक सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन 2003 के बाद किसी ने जॉयस को नहीं देखा। वो अपने घर से भी बाहर नहीं निकलती थी। दिन बीतते गए, हफ्ते, महीने, साल। इस दौरान उसके दरवाजे के बाहर कुछ पेपर्स भी जमा हो गया। बाकी कमरे में भी लोग थे, लेकिन किसी ने कोई खबर नहीं ली। जॉयस के कमरे में लगातार लाइट जल रही थी, तेज टीवी चलने की आवाज भी। धीरे धीरे वक्त बीत गया और 2006 आया। जनवरी 2006, हाउसिंग बेनिफिट कॉर्पोरेट के थ्रू मकान मालिक को 50% किराया जाता था, बाकी 50% जॉयस को देना था। 3 साल तक मकान मालिक को भी कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन 3 साल बाद उन्हें लगा कि जॉयस से बाकी पैसा लेना चाहिए। लैंडलॉर्ड के कहने पे उस हाउसिंग के कुछ स्टाफ 25 जनवरी 2006 को जॉयस के रूम के पास जाते हैं। उनके पास मास्टर की भी था। उससे दरवाजा खोला गया। जब दरवाजा खोला गया तो हाउसिंग सोसाइटी के जो 3-4 लोग थे उनके पैर कांप गए, क्योंकि दरवाजे के ठीक सामने एक सोफा सेट रखा था। उस सोफे पे बैठा हुआ है एक पुतला, बहुत ही डरावना। एक अजीब सी बदबू भी लगी उन्हें। करीब जाके उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो जिसे पुतला समझ रहे थे वो एक इंसान की कंकाल था। सोफे पे ऐसे ही बैठा हुआ था जैसा इंसान बैठते हैं। ये कौन है किसी को नहीं पता। हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने पुलिस को कॉल किया। कमरे का मुआयना किया गया। टीवी चल रही थी। टीवी पे BBC 1 चैनल लगा हुआ है। कमरे में रोशनी बहुत ज्यादा नहीं थी, खिड़की बंद थी। जॉयस गायब। सोफे के पास ही कुछ गिफ्ट्स और एक शॉपिंग बैग भी रखा हुआ था। एम्बुलेंस बुला के लाश को हॉस्पिटल ले जाया गया। ये कौन है किसी को पता नहीं। उसी घर से कुछ मेडिकल डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, उसमें दांत के कुछ एक्स्ट्रा रिपोर्ट्स। उस डेंटल रिपोर्ट्स के साथ कंकाल का मैच करवाया गया तो पता चला वो लाश जॉयस विंसेंट की ही है। पता चला इसके मौत हुए करीब 3 साल हो चुके हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो डेट दिया है वो था दिसंबर 2003। इसके बाद मौत की वजह पता करने की कोशिश की गई। कई कारण हो सकते हैं, अस्थमा अटैक या कत्ल, लेकिन कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए डॉक्टर्स। अस्थमा का अटैक गेस किया गया क्योंकि उसे अस्थमा का बीमारी थी। अब जॉयस की बहनों को ढूंढा गया, उनसे पूछताछ हुई। उन लोगों ने बताया दिसंबर 2003 के बाद जॉयस से किसी ने ना बात की, ना किसी ने उसे देखा। उसने किसी खत का भी जवाब नहीं दिया। होटल का पार्ट टाइम जॉब भी वो छोड़ चुकी थी। 3 साल तक मौत के बाद वो अपने कमरे में सोफे पे बैठी हुई थी। लगातार 3 साल तक
तक वो टीवी चलता रहा, घर की लाइट्स जली रही क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के 50% पैसे लैंडलॉर्ड को मिलता रहा। उन्हें लगा कि बाकी भी मिल जाएंगे। नेबर्स ने कभी ध्यान ही नहीं दिया, बहनों ने भी पुलिस में कोई कंप्लेंट नहीं की। अजीब बात ये थी, 3 साल से दुनिया ने जॉयस को नहीं देखा लेकिन किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की, ना उसको ढूंढने की कोशिश की। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला था 2001 और 2003 के बीच में जॉयस के लाइफ में पहली बार एक लड़का आया था। वो उसका बॉयफ्रेंड था, दोनों को कई बार साथ में देखा गया था। वो उनसे प्यार करती थी ये भी उसके दोस्तों को पता था। उसके बॉयफ्रेंड का कोई तस्वीर या पूरा नाम किसी को नहीं मालूम थी। पुलिस को लगा कहीं जॉयस के मौत के पीछे उसके बॉयफ्रेंड का ही तो हाथ नहीं। पुलिस काफी कोशिश की लेकिन अफसोस की बात है, सच्चाई तो छोड़ो, उसके बॉयफ्रेंड का असलियत तक पुलिस को पता नहीं लग पाई। आज इस बात को 19 साल हो गए लेकिन जॉयस के मौत का कारण आज भी मिस्ट्री है, जवाब किसी के पास नहीं।